Welcome back all of you. So as you all know that we have discussed about two types of fibers, that is natural fiber and synthetic fiber. After that we discussed about footwear. Now proceeding further, our next topic is care of clothes. How we should take care of our clothes. We should always wear clean and ironed clothes. Why we wear clean and ironed clothes? To look smart and attractive. And wearing dirty clothes may cause infection and germs. गंदे कपड़े पहनने से infection हो सकता है body में और germs आ सकते हैं. So hence, इसलिए clothes should be properly washed and ironed. Wash कैसे wash करना है? With suitable soap and water or detergent, washing detergent, and they should be ironed. Patient's clothes must always be disinfected by using an antiseptic solution. जो घर में अगर कोई बीमार है, किसी को खांसी या फीवर भी हो रखा है, तो उस पेशेंट के उसके क्लोथ्स या हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उनके क्लोथ्स, उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना चाहिए. उनसे इन जो इन्फेक्शन आ गया है उन कपड़ों में, उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. एक स्ट्रॉन्ग विद एन स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, अच्छे से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ उनको डिसइंफेक्ट करना जरूरी होता है. जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, ड्यू टू COVID-19 मेनी पेशेंट्स, द नंबर रेशियो ऑफ COVID-19 इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट इज एन इंफेक्शियस डिसीज. वी शुड प्रोटेक्ट अस. हम बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं हर चीज को, हैंड सैनिटाइज करते हैं अपनी चीजें, सैनिटाइज सामान बाहर से लाते हैं, हम उसे वॉश करते हैं प्रॉपरली. वी आर सैनिटाइजिंग एवरीथिंग, वी आर मेकिंग इट डिसइंफेक्टेड, ताकि हमारे घर में या हम तक वो बीमारी ना आए. सो ऑलवेज रिमेंबर टू डिसइंफेक्ट द क्लोथ्स विद एन स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ऑफ एनी पेशेंट्स क्लोथ. ओके, नॉर्मल छोटी सी बीमारी भी होती है, उसमें भी डिसइंफेक्ट द क्लोथ्स प्रॉपरली. इट इज फॉर योर सेफ्टी. क्लियर? एंड कॉटन क्लोथ्स आर प्रॉपरली स्क्वीज्ड एंड ड्राइड. कॉटन के जो कपड़े होते हैं, कॉटन क्लोथ्स, उन्हें अच्छे से प्रॉपरली स्क्वीज करना चाहिए, निचोड़ना चाहिए और सुखाना चाहिए. गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए. जैसे आई टोल्ड यू दैट वी शुड नॉट वियर वेट सॉक्स एंड वेट शूज, उसी तरह वी शुड नॉट वियर वेट क्लोथ्स, इन्फेक्शन हो जाता है उससे. क्लियर? एंड वुलन क्लोथ्स नीड ड्राई क्लीनिंग. जिस तरह कॉटन क्लोथ्स को प्रॉपरली स्क्वीज एंड ड्राइड अप होने चाहिए, उसी तरह वुलन क्लोथ्स को प्रॉपरली ड्राई क्लीन करना चाहिए. वेयर एज सिंथेटिक क्लोथ, सिंथेटिक मीन्स दैट मैन मेड एंड आर्टिफिशियल फाइबर जो था, कौन सा था? यस, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, जो इससे कपड़े बने हुए हैं सिंथेटिक क्लोथ्स, उनको सिंपली हम धो के हैंगर में हैंग कर देते हैं या वायर पे हैंग कर देते हैं सूखने के लिए. एंड द वॉटर ऑटोमेटिकली ड्रिप्स ऑफ, उसमें से वॉटर अपने आप निकल जाता है. वाई वी डू दिस? बिकॉज ट्विस्टिंग और स्क्वीजिंग स्पॉयल सिंथेटिक फाइबर. उन्हें ट्विस्ट करने से या स्क्वीज करने से, निचोड़ने से या दबाने से उसका फाइबर खराब हो जाता है. ओके, अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट टॉपिक इज स्टोरिंग क्लोथ्स. हाउ वी शुड स्टोर अवर क्लोथ्स? वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स नीड स्पेशल केयर बिफोर बींग स्टोर्ड. सबसे ज़्यादा केयर किन कपड़ों को चाहिए होती है? वुलन क्लोथ्स को एंड सिल्क क्लोथ्स को. इन क्लोथ्स को हम टाइम टू टाइम धूप भी दिखाते हैं. जब आपने देखा होगा विंटर सीजन स्टार्ट होता है, आपकी मम्मा घर में जहाँ पे भी वुलन क्लोथ्स होते हैं, दीवान में होती हैं या किसी बॉक्स में होते हैं, बक्से में होते हैं, बॉक्स यू जनरल लैंग्वेज में आप बक्सा बोलते हैं, बक्से में होते हैं, अलमीरा में होते हैं, निकाल के धूप में रखती हैं. या वी शुड डू दिस बिकॉज वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ्स नीड स्पेशल केयर. वुलन क्लोथ्स आर ड्राई क्लीन. वुलन क्लोथ्स को हम ड्राई क्लीन करते हैं. बिकॉज क्यों ड्राई क्लीन करते हैं, करवाते हैं? बिकॉज देयर इज सर्टेन इंसेक्ट ईट सिल्क एंड वूल. एक बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो सिल्क और वूल को खा जाते हैं, इसलिए हम उन्हें ड्राई क्लीन करवाते हैं, धूप दिखाते हैं. क्लियर? क्लोथ्स
should be stored in steel almirah or boxes with naphthalene balls or dried neem leaves to keep the insects away. कपड़ों को कहाँ रखना चाहिए? क्लोथ्स को प्रॉपरली अलमारी में रखना चाहिए या बॉक्सेस, बॉक्सेस यू कैन से बक्से में रखना चाहिए विद अ नैप्थलीन बॉल. नैप्थलीन बॉल्स आती हैं जो कपड़ों के साथ रखनी चाहिए ताकि कपड़ों में कीड़े ना लगें. नैप्थलीन बॉल्स नहीं है तो वी कैन यूज ड्राइड नीम लीव्स, सूखी नीम की पत्तियाँ भी यूज कर सकते हैं. वी शुड कीप सूखी नीम की पत्तियाँ और नैप्थलीन बॉल्स विद क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट दैम. Clear? And always remember that we should never wear anybody else's clothes. हमें हमेशा अपने ही कपड़े पहनने चाहिए. Always wear your own clothes. Don't use others' clothes. It may cause infection. उससे infection हो सकता है. Infection हो सकता है because जैसा कि आजकल भी आप देख रहे हैं, you are seeing that due to COVID-19, all are using their own mask and we should never touch anybody else's mask. हमें किसी का mask छूना नहीं चाहिए, पहनना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है. तो उसी तरह नोबडी सेल्फिश, ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा उसने मुझे कपड़े नहीं दिए, बहुत सेल्फिश है. नो, उसने कपड़े नहीं दिए बिकॉज ही और शी केयर्स फॉर यू. अपने कपड़े पहनने चाहिए, अपनी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन नहीं हो. बिकॉज गॉड नोज सामने वाले को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है. गॉड नोज उसकी स्किन कैसी है, उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, सेंसिटिव है नहीं है. तो इसलिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बेटर अवॉइड द थिंग्स. अपने आप को बचाना है तो चीज़ों को अवॉइड करिए. वियर योर ओन क्लोथ्स एंड डोंट यूज अदर्स क्लोथ्स. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Now the chapter is finished. I will be sending one Google form. Try to solve it. After that, I will send the exercises and question answers. Okay? So thank you everyone.